कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के अलीगढ़ में 3 वर्ष की मासूम बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ बर्बरतापूर्वक निर्मम हत्या के शोक संवेदना व्यक्त किया। जिले में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने टाउन हॉल चौराहे गांधी जी की प्रतिमा से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च को गोलघर होते हुए इंदिरा प्रतिमा तक शोक संवेदना प्रकट करते हुए वापस गांधी प्रतिमा टाउन हॉल पर संपन्न किया गया। ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि उस मासूम बच्ची की आत्मा को शांति मिले। शोक संवेदना सभा में जिला महासचिव व सह प्रवक्ता संजय पाठक, अनुप कुमार राव, कुसुम पांडे, निर्मला वर्मा, दुर्गा राय, गोरखलाल श्रीवास्तव, संजीव सिंह सोनू, मुचकुंद दुबे सहित अन्य कांग्रेसी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, मेला के शहर गोरखपुर मेला अब गरुड़ा वाहन न खड़ा करें या खड़ी हो जाए। अलीगढ़ में जिस तरीके से 2.5 साल की बच्ची के साथ उसकी हत्या हुई, उन मां के गोद को सुना किया गया। आज हम इस सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपने प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करे, ताकि कोई भी शख्स इस तरीके से कार्यक्रम घटना करने के पहले एक बार जरूर सोचे। उस जो उसका अपराधी है, जो उसमें शामिल है, उसको चौराहे पर एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग उसका सबक लें कि दोबारा इस तरीके की घटना न हो। कांग्रेस पार्टी सदैव ऐसी घटनाओं का विरोध करती रही है और करती रहेगी। हम मानवता के पुजारी हैं, हम गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों को मानने वाले हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार इस समय है वो गांधी के सिद्धांतों को मानने से वो मुकर रही है, और उसको गांधी के सिद्धांत को मानना चाहिए। इसी उस पर आज हम गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर कांग्रेस जन, गोरखपुर के कांग्रेस जन ये मांग करते हैं कि फिर दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, सरकार चुस्त और दुरुस्त हो।